श्री साईं राम। आज हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। भगवान बाबा कहते हैं, वेदों के अनुसार चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, अर्थात चंद्रमा हमारे मन का अधिष्ठाता देव है। पूर्णिमा पूर्ण चंद्र का परिचायक है, जो कि हमारी बुद्धि को प्रकाशित करती है। और गुरु के साथ जब पूर्णिमा जुड़ जाती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हमारी बुद्धि अगर प्रकाशित होगी तभी वह हमें ईश्वर तक ले जा सकेगी, इसलिए उसका निर्मल होना बहुत आवश्यक है। और गुरु वह है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है दूर ले जाना। गुरु शब्द का एक और अर्थ भी होता है गुणातीत और रूपवर्जित। गुरु वह है जो सभी गुणों से परे है, सभी रूपों से परे है। वह तो स्वयं निराकार परब्रह्म परमेश्वर है। उस गुरु को अपने अंदर हमने महसूस करना है। आजकल के तथाकथित गुरु मंत्र कोई फूंक कर भक्त के कान में दूसरा हाथ दक्षिणा के लिए बढ़ा देते हैं। ऐसे गुरु वास्तव में गुरु हो ही नहीं सकते। गुरु तो वह है जिसने स्वयं आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो स्वयं परब्रह्म को पहचान गया है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान गया है। और हम जानते हैं कि आज के युग में ऐसे गुरु मिलना बहुत कठिन है। तो आज हम ये समझ लें कि वास्तव में ईश्वर ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है, जो हमारे हृदय में ही वास करता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर हर समय तुम्हारे साथ हूँ, इस चीज़ का अनुभव करो। जब हमारे अंदर ही पूर्ण ब्रह्म गुरु स्वयं विद्यमान है तो हमें बाहर गुरु के लिए भटकने की आवश्यकता क्या है। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि को पूर्णतः निर्मल बनाएं, और ये तभी होगा जब हम अपने हृदय को पूर्णतः प्रेम से भर लेंगे, समस्त संसार से प्रेम करना सीख जाएंगे। इसीलिए तो बाबा हमें प्रेम स्वरूप लारा कहकर बुलाते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को भी पहचान पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बाबा कहते हैं, केवल भगवान की स्तुति करके कुछ चीज़ें उसको अर्पित करके उपासना करना गुरु पूर्णिमा मनाना नहीं है। गुरु पूर्णिमा मनाने का सही अर्थ है निर्मल प्रेम से अपने मस्तिष्क को हृदय को पूर्ण कर देना, इस प्रेम को सारे संसार के साथ बांटना, सबसे प्रेम करना, सबकी सेवा करना। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम वास्तव में गुरु पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं। और देखा जाए हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे लिए तो पर ब्रह्म जो हैं अवतार, वो स्वयं सद्गुरु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। कितना हमारे लिए सुखद अवसर है, कितना सौभाग्यशाली अवसर है। उस अंतर्वासी प्रभु को जो हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहता है, अपने हृदय को निर्मल बनाकर ही हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। आइए उसको हम अपने अंतर्मन में अनुभव करें, उसकी आवाज़ को सुनें, उसके बताए रास्ते पर चलें, सारे संसार से प्रेम करें, सद्भावना फैलाएं, सबकी सेवा करें, अपने दृष्टिकोण को विशाल करते चले जाएं। और जब ऐसा करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यही हमारे लिए गुरु पूर्णिमा मनाने का सबसे अधिक सरल और श्रेष्ठ उपाय भी होगा। तो आज हम ये संकल्प करें कि हम अपनी इच्छाओं के लिए भिखारी की तरह इधर उधर नहीं भटकेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, ये जानेंगे कि हम तो स्वयं ईश्वर हैं, और फिर अपने हृदयवासी प्रभु की आवाज़ को सुनकर, उसके बताए मार्ग पर चलकर, उनका अनुसरण करके वह सभी करेंगे जो वो हमसे चाहते हैं। और इसी प्रकार से हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे, और यही हमारे लिए गुरु पूर्णिमा मनाने का सबसे सही ढंग भी होगा। साईं राम।